हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स, जो मैं आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों को जो कि फाइनल ईयर में, जैसे कि अगर इंटर के बाद वो पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी या अदर लेवल की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ई शक्ति पोर्टल है उस पर आना है। उसके बाद ई प्रमाण का जो ऑप्शन है यानी कि मेरी पहचान वाला, उससे आपको वेरीफाई करना। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं जैसे कि आप इस पोर्टल में कैसे आएंगे और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कुछ लोगों को इसमें एरर आ रहा है, नो डेटा फाउंड आ रहा है, तो उनके लिए क्या करना होगा उसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पोर्टल में आने के लिए आप यहां पे जैसे कि मुख्य पृष्ठ पे आएंगे, लिंक इसके digishakti.up.gov.in डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पे वहां से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित किए, आपको बीच वाले में ब्लैक वाला जो टैब है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे प्रमाणित करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उसको सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूशन नेम, अगर आप जिस कॉलेज के तहत पढ़ रहे हैं आप वहाँ का इसमें नेम टाइप करिए। आपका जो भी कॉलेज का नेम हो कुछ डिजिट आप टाइप करिए, वो ऑटोमेटिक फैच करके आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिंपली अपने कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर देन आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिल कर देना जो एसडिक शो हो रहा है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अभी देखिए पहले अभी आपको पता चल जाएगा कुछ मतलब आपका अपडेट है या नहीं अपडेट है। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे वेरीफाइड दिख के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है, जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आपको टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। तो नीचे एक ऑप्शन है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन ई प्रमाणन मेरी पहचान, इस तरह से आपको क्लिक करना है इस पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ लोगों को उसने अभी तक रिडायरेक्ट कर दे रहा था उस पोर्टल पर, लेकिन अभी क्या आ रहा है कि अलर्ट का मैसेज आ रहा है, जैसे कि अभी मैं करंट में आ रहा हूं तो इस तरह से मैसेज आ रहा है, यानी रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। यानी पहले क्या था, रिडायरेक्ट कर देता था तो वहीं से आपको कर लेना था, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा है। अब इसको हम कट करेंगे, फिर से आप उसी पोर्टल पर आ जाएंगे। यानी कि जैसे कि आप यहाँ जिस पोर्टल से आप गए थे आप इसी पोर्टल पर फिर से आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आप देख चुके हैं कि अब उस पोर्टल से नहीं जा रहा, तो आपको गूगल क्रोम पे नया टैब ओपन करना है और मेरी पहचान पोर्टल का ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, meripehchan.gov.in। जैसे ही आ जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको टैब दिखेगा, तो सिंपली आप क्या करना है, इस पोर्टल में लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन विद ई प्रमाण करके एक ऑप्शन है बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही टैब ओपन खुल के आ जाएगा जो वहां पे पहले रिडायरेक्ट कर रहा था और अब रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ये पोर्टल था जो पीछे से रिडायरेक्ट कर दे रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि डायरेक्ट रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आ रहा है। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आप साइन अप करना है, क्योंकि आपके पास यूजर अकाउंट पहले से है नहीं, अगर है तो लॉगिन करना, नहीं है तो नीचे आके यूजर पर क्लिक करना है। अब जैसे कि साइन अप के लिए मतलब नया रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा बनाना है आपको यहाँ पे यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, तो सिंपली सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। आफ्टर देन यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरेट ओटीपी कर लेते हैं, ओटीपी आ चुका है फोन में, उसके बाद ओटीपी डालेंगे, फिर गिवन नेम एज पर आधार या आपका जो डॉक्यूमेंट्स लीगल नेम है उसको यहाँ पे करना है। ओटीपी पहले आपको वेरीफाई कर लेना है, आफ्टर देन तब आपको नेम डालना है। तो जैसे कि ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है तो हम यहाँ पे गिवन नेम डाल देते हैं, मतलब जो कैंडिडेट है उसका लाभार्थी एज पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यानी कि जो आया है मतलब बच्चे की उसको डाल देना है। डालने के बाद उस बच्चे का पूरा जो डिटेल है यहाँ पे आप उसको डाल देंगे, एज पर उसके जो भी मार्कशीट में लिखा हो उसका देख के, उसके डॉक्यूमेंट को देख के आप गलत नहीं सही सही तरीके से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब यहाँ पे पर्सनल मैसेज में आप यहाँ पे गुड, वेरी गुड या कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे गुड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम, अब उस बच्चे का यूजर नेम जो भी बच्चा आया है तो अब उसका एक कोई डिफाइन करिए, जैसे कि अगर उसका नेम कुछ भी है, मान लीजिए अगर उसका कोई नेम जैसे कि रोहित है तो रोहित 1 2 3 4 करके या अन्य कुछ भी मतलब ऐसे करके आप यूनिक डिजिट बनाइए ताकि मैच ना करे। देखिए अगर पहले से बनाओगे तो रेड कलर से आ जाएगा, नहीं तो फिर ग्रीन कलर से अवेलेबल का आ जाएगा। फिर आगे बढ़ जाइएगा और एक नया पासवर्ड बना लीजिएगा। दोनों चीज़ को आपको नोट करके रखना है और उस बच्चे को दे देना है जो भी आपके पास करवाने आए, या अगर आप खुद कोई कर रहा है अपने फोन से तो आपको अपनी डिटेल नोट कर लेनी है, ठीक है। नोट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर नीचे आना है, कैप्चा फिल करना है, एचटिक्स जो भी कैप्चा यहाँ पे मेंशन है वहां पे आपको फिल करना है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर दिया है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो कैप्चा है इसमें माइनस करना है, तो इसको मैं माइनस करके यहाँ पे कंसेंट दे देता हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर देन यहाँ पे जो साइनअप का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इसका जो थैंक यू वाला होता है यानी कि आपका फुल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला वो SMS आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई प्रमाण करके एक ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर साइनिंग फॉर दिस, इस तरह से। और अब आप क्या करें, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये आप पोर्टल पर ई प्रमाण का आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया। तो आपको फिर क्या करना, बैक आना उसी पोर्टल पर, डिजी शक्ति वाले पोर्टल पर। अब फिर से लॉग इन करना है बीच वाले मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC करें पर, इसी पे आके ब्लैक वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक करके लॉग इन करना है। अभी तक फिर हमको सेम प्रोसेस में उसी तरह सेलेक्ट करना है, कॉलेज और नोट नंबर डाल के सर्च करना है। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद फिर अभी क्या होगा कि जैसे पहले क्या कर रहा था तो अलर्ट आ रहा था, अभी अलर्ट नहीं आएगा जब आप KYC पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका आधार कार्ड के नंबर से मोबाइल नंबर से यूजर आईडी बन चुका है। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आप एजेंट्स कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर या सर्च पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका डिटेल उसी तरह से खुल रहा है। अब सिंपली अब जब वेरीफाई थ्रू द यहाँ पे करेंगे तो देखिए आपका आधार ही KYC पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा, जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो आधार कार्ड नंबर वो डालना है, मोबाइल के माध्यम से आप SMS चाहिए तो मोबाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। जैसे 2x1 लिखा है, अगर कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसको रेफ्रेश कर लीजिए। जब तक रेफ्रेश करें तब तक आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप समझ में आ रहा है क्लियर, तो यहाँ पे 11-8-3 करके हमने वेरीफाई थ्रू eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से OTP जाएगा, तो आपको सिंपली OTP डालना है। OTP डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आप जैसे ई प्रमाण वाले मोबाइल नंबर जिससे आपने लॉगिन किया है उस पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली आप उसको भी यहाँ पे रिकवर करेंगे और उसको भी OTP को डाल देंगे। डालने के बाद फिर आप यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने जिससे भी ई प्रमाण की आईडी बनाई है उस पे जाता है, तो यहाँ पे उसको भी आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर दूसरा भी हो सकता है, तो इसलिए आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इस पे वेरीफाई करेंगे OTP डाल के, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट करके यहाँ पे सक्सेस हो गया, योर डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, ई प्रमाण मेरी पहचान, थैंक यू। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि आप एलिजिबल हो गए। लेकिन अभी आपको एक बार चेक कर लेना है कि हाँ सच में मेरा कंप्लीट हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ से हो गया, क्लियर हो गया, यानी कि आपका जो भी प्रोसेस था हो गया, जिसका एरर आता है तो वो कॉलेज में अपना संपर्क करे। तो अब यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं या होम टैब पर क्लिक करेंगे, जब तक आप श्योर नहीं हो जाए कि मेरा हो चुका क्या नहीं। अब उसको श्योर होने के लिए आप इस पोर्टल पर आएंगे, फिर से मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से क्लिक करें, यहाँ बीच वाले टैब में क्लिक करेंगे, और सेम तरीके से आप जैसे पहले डिटेल सर्च कर रहे थे, यानी आपने मैनुअल फिल कर रहे थे अपना यूनिवर्सिटी नेम वगैरह और कॉलेज नेम वगैरह, तो वैसे ही आपको यहाँ पे फिर से फिल करना है। तो चलिए हम अपना सर्च कर लेते हैं, और सर्च करने के बाद यहाँ पे एज इट इज उसको फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं, जो भी शो हो रहा है कैप्चा शो फिल करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार KYC स्टेटस आपको वेरीफाइड हो गया, और लास्ट अटैम्प डेट यानी कि कब की है आपने उसकी डेट, जैसे कि 10/10/24 मैंने अभी की है, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा था आप कॉलेज में संपर्क करिए, अब आपका फाइनल हो गया, थैंक यू।